बम्बई जाने से पहले, जीवन में कुछ भी बनने से पहले मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटा कोई भी इम्पोर्टेंट रिकॉर्डिंग हो, कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग हो, कोई भी इम्पोर्टेंट शो हो, हाथ जोड़ के क्षमा मांगिएगा और घर की तरफ प्रस्थान करें, क्योंकि दिवाली घर पे ही बनाई जाएगी। तो हर साल की तरह इस बार भी मैं और मेरा पूरा परिवार साथ आए हैं और दिवाली के लिए अभी बिल्कुल पूजा का माहौल है, पूजा करके हम लोग अभी बाहर निकले हैं। अब परिवार बैठेगा साथ में, हंसी मजाक होगा, भगवान राम का नाम लिया जाएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये कुछ एक ऐसी प्रथा है हमारे परिवार की जो हम सब बच्चों में और हम सब परिवार के सदस्यों में अंदर बहुत कूट कूट के भरी है कि दिवाली पे घर जाना है कैसे भी करके। तो जी, तो दिवाली देखिए इस बार वाकई बहुत ही स्पेशल दिवाली है और मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस बार भी दिवाली, ये पहली दिवाली है राम मंदिर बनने के बाद और मुझे इतना बड़ा अवसर मिला राम मंदिर के लिए, इतना ज़रूरी गाना गाने का मुझे मौका मिला, मेरे घर राम। तो मुझे लगता है उस गाने ने अपने आप में मेरे परिवार और मेरे आने वाले बहुत सारी पीढ़ियों के लिए एक बहुत एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया है जिससे मेरा परिवार पूरा हमेशा सौभाग्यशाली महसूस करेगा। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से, बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं।
पहले पहले जो जो टीका लगा रहे हैं वो सबसे पहले, फिर आप उस क्रीम में टीका शॉट लगा रहे हैं। सबसे पहले कन्या पे सबसे छोटी में क्या लोगे एक्स्ट्रा? माध्यम में टिकट क्यों करता है प्लास्टिक उसके बाद इसका वेट कम हुआ घर पहुंचते ही इसकी डिलीवरी कर ली इसका वेट नहीं नहीं आ रहे ना आप भी चलाओ जलाओ आ अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।